갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So guys, I hope all are doing well and safe. Guys, first of all, आप मुझे बताइए ये वाला लुक देख के आप क्या सोच रहे हो? So guys, आपको तो टाइटल देख के ही तो चल गया होगा कि आपका ये जो लुक है ये क्या होने वाले हैं. Yes guys, मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉनसून मेकअप लुक. ये जो मेकअप लुक मैंने कैरी किया हूँ ना, ये आप डे में भी इसको कैरी कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप नाइट पे भी इसको कैरी कर सकते हैं. ये जो मैंने वेस्टर्न वेयर भी आज पहना, तो वेस्टर्न वेयर में दिन में भी आप अच्छा लगेंगे एंड रात में भी ये वाला लुक आपको अच्छा लगेगा. तो गाइस, जैसे कि अभी ना मानसून चल रही है, तो मानसून में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत करके कभी भी ऐसे धूप होता है एंड कभी भी ऐसे बारिश भी हो जाता है. बट हमको तो बाहर तो कुछ काम में जाना है, तो काम में सपोज हम कहाँ शॉपिंग वगैरह में जाते हैं या फिर अलग से कुछ पार्टी वगैरह हुआ, तो हम इस टाइप का एक सिंपल सा एंड बहुत कम टाइम में हम चीज में यूज करके, बहुत मिनिमम में प्रोडक्ट यूज करके ना ये वाला मेकअप लुक को क्रिएट किया हूँ. एंड हमेशा की तरह मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी चीज मैं लगाती हूँ ना आपके साथ पूरा डिटेल्स में बात करती हूँ एंड बहुत कम ही मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ फेस में एंड बहुत ज्यादा ग्लो भी आता है. आप सीरियसली बिलीव नहीं करेंगे इतना ज्यादा ये वाला मेकअप लुक हुआ है ना. आप खुद ही पूरा ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही बताया. तो गाइस, ये वाला लुक तो मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है. क्लासी, फैशनेबल एंड इलिगेंट भी ये लुक मुझे लगता है. तो आई होप कि आपको भी ये वाला लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. सो गाइस, और बकबक नहीं करके चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, मैंने मेरे फेस में ऑलरेडी स्किन केयर कर चुकी हूँ. नेक्स्ट में ब्लू हेवन का ऑयल फ्री सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यहाँ पे मैं यूज करूँगी एंड ये जो प्राइमर है मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है एंड मैं लगा के इसे पूरा फेस में स्प्रेड कर दूंगी. देन फॉर फाउंडेशन मैं कलर बाग का फाउंडेशन यहाँ पे यूज करूँगी एंड ये जो फाउंडेशन है मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है एंड ये मेरे फेस में बहुत ज़्यादा सूट भी करता है एंड इसको मैं अभी ब्यूटी ब्लेंडर से ना अच्छे से इसको पूरा लगा दूंगी. आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फेस बहुत ज़्यादा व्हाइटिश लग रही है. डोंट वरी, मैं इसको लास्ट में कर दूंगी. एंड या, आपने अभी तक मेरी बेटी का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड ज़्यादातर उसको प्यार एंड ब्लेसिंग भी दे दीजिए. या फॉर कॉम्पैक्ट में यहाँ पे ना मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट को लिया हूँ एंड थोड़ा थोड़ा करके बस मैं लगाऊंगी. देन एक्स्ट्रा जो पाउडर जो लगा है ना उसको मैं एक मतलब पाउडर ब्रश के हेल्प से पूरा सारे को निकाल दूंगी एंड फाउंडेशन एंड जो मेरा कॉम्पैक्ट है ये सारे दोनों पे अच्छे से अभी लग चुका है मेरे फेस में. देन उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूँगी हिलारी रोड़ा का आईब्रो पेंसिल. आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा आईब्रो जो है अच्छे से पूरा मतलब पूरा साइज अभी है, तो मैं यहाँ पे आईब्रो अभी यूज़ नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरा आईब्रो ऑलरेडी ही डार्क लग रही है. तो मैं बस ऐसे ही कुंभ ही कर लिया हूँ. एंड फॉर काजल यहाँ पे मैं फेसेस कनाडा का काजल यूज किया हूँ एंड ये जो काजल है ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ट्रस्ट मी. एंड स्वेट प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी ये है, बहुत टाइम के लिए रहता है मेरे आईज़ पे. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मिस रोज का मतलब आई पैलेट यूज़ किया हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस टाइप का एक ब्रश में मतलब यूज करती हूँ आईज़ पे, क्योंकि ये जो ब्रश है ना बहुत ज़्यादा हैंडी लगता है एंड मुझे ना ये यूज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्मोकी आईज़ क्रिएट करने के लिए ट्राई करती हूँ. तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे ना एक लाइट सिल्वर कलर का एक पहले एक क्रीज बनाने के लिए लिया हूँ कलर. देन उसके ऊपर ना मैं ब्लू कलर का मतलब कलर को लेके बस प्रेस ही करूँगी और कुछ नहीं करूँगी. इतना ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा इतना गर्जियस नहीं करूँगी, बस बहुत कम ही यूज़ करके ही कर दूँगी. एंड उसके बाद ना मैं आई लैसेस तो फॉल्स आई लैसेस तो मैं यूज़ नहीं करूँगी ना, बस मैं मस्करा ही लगा दिया हूँ मेबेलिन का. एंड उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का मेरा ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट ये है, ये बहुत ज़्यादा ये मुझे अच्छा लगता है. बस मैं ये सारे जो कलर को एक साथ में ही पिक करके एक मतलब हाइलाइटर ब्रश में लेके पूरा फेस में लगा दूंगी, आई मीन पूरा चीक पे लगा दूंगी. बस बिंदी लगा दिया एंड मेरा जो फुल फेस जो मेकअप है ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है. नहीं 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 कम्प्लीट तो नहीं हुआ है क्योंकि मैंने तो लिपस्टिक भी नहीं लगाया. तो फॉर लिपस्टिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ ब्लू हेवन का लाइट पिंक न्यूट कलर का एक लिपस्टिक, ये है जो सेड है बहुत ज़्यादा ये अच्छा है.
एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूँगी फेस में ना मेकअप फिक्सर, स्विस ब्यूटी का मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज किया हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड फेस को ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है मेकअप को एंड हाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा करता है। सो हो गया मेरा लास्ट मेकअप। राइट गाइस, आपने देखा ना मैंने कितने अच्छे से आपको सारे टिप्स एंड सारे स्टेप आपको बताया। गाइस मैं अभी मेरा जो पूरा फुल लुक भी आपको दिखाऊंगी, तो अब तक मेरे साथ बने रहना एंड फुल लुक को भी आप देख लेना कैसा क्या लग रहा है क्या नहीं। ओके तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक।갑자기 내게 나타나죠 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이 Guys, that's all for the video. इतने टाइम के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए ना आपको थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मुझे आप बहुत ज्यादा ही प्यार देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन करना। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत ज्यादा वीडियो लेके आऊंगी और भी अच्छा अच्छा आपके लिए मैं वीडियो कंटेंट लेके आऊंगी ताकि आपको भी मैं एंटरटेनमेंट कर पाऊंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड फैमिली। हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर ही बताना कि ये वाला लुक आपको कैसा लग रहा, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी ना आपके नाम भी मैं ले लूंगी कि आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लग रहा था। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।